सलमान खान को बहुत गहरा सदमा लगा है। उनकी फिल्म के डायरेक्टर का निधन हो गया है। फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाने वाले डायरेक्टर सिद्दीकी इस्माइल का हार्ट अटैक के बाद अचानक निधन हो गया है। वो 63 साल के थे। लीवर में दिक्कत के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। उन्हें ECMO पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस्माइल को बचा नहीं सके। इस्माइल का सलमान के करियर में बड़ा रोल रहा। सिद्दीकी इस्माइल ने गॉडफादर, कबूलीवाला, हिटलर और बिग ब्रदर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की कहानी और स्क्रिप्ट सिद्दीकी ने खुद लिखी थी और इसका डायरेक्शन भी उन्होंने खुद किया। इस फिल्म ने सलमान के करियर में 4 चांद लगा दिए थे। सिद्दीकी का अंतिम संस्कार आज शाम 6 बजे किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में रखा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर लाया जाएगा, जहां उनके परिवार के लोग और दूसरे शुभचिंतक उन्हें विदाई दे सकेंगे। सिद्दीकी का यूं जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत गहरा झटका है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे।